अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ ये समर स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं इनको दूर करने के लिए, आजकल आपको पता है कि चेहरा कितना चिपचिप सा हो रहा है, तो इसको कैसे आप लोगों ने ठीक करना है। तो ये बरसात का जो मौसम होता है, इसमें ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और पिंपल, एक्ने, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको निकल आती हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताती चलूँ, सबसे पहले जो है आपने अपना फेस पे जो मास्क लगाना है वो लगाना है। सबसे पहले आप लोगों ने बेसन का फेस मास्क लगाना है, उसके अलावा आप उसको रिमूव कर दें। उसके बाद आप चावलों के आटे का भी फेस मास्क बनाकर लगा सकते हैं। सिंपल आपने रोज़ वाटर डालना है, मिक्स करना है और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके अलावा आप अपनी स्किन को एलोवेरा जेल के साथ मॉइस्चराइज कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल आप लोगों ने प्योर ही लेना है। तो इन तरीक़ों से अगर आप ये चीज़ें अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, उससे ये होगा कि आपकी स्किन से ये चीज़ें ऑयल जो है ना वो ड्राई कर देती हैं। तो बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों की स्किन के लिए। आप लोगों ने बेसन और चावलों का आटा मिक्स करके भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अपने फेस पैक बना लें एक और अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें, तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, उससे ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और ऑयल कम हो तो आपको एक्ने पिंपल ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने एक ये करना है कि आप लोगों की स्किन डल पड़ गई है, शाइन नहीं कर रही, शाइन करने के लिए आप लोगों ने ये करना है कि टोमेटो जूस लेना है। टोमेटो जूस आप लोगों ने लेना है, इसको ग्राइंड कर लें अच्छे से, इसका पल्प निकाल लें, और उसके बाद आपने इसका टोमेटो का पेस्ट जो है वो आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। टोमेटो पेस्ट से आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, शाइन करता है। इसके अलावा आपकी डेड स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को विटामिन फ्राहम करता है, और इससे ये होता है कि आप लोग ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके अलावा आप लोगों ने लेने हैं आलू। आलू आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट लाते हैं। आलू में आपको पता है कि इसमें जो है ब्लीचिंग एजेंट होता है, आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। इसका पेस्ट आपने आलू को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है बारीक सा, इस तरीके से आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने इसको फेस पे अप्लाई करना है, तो आपका फेस जो है वो ब्लीचिंग जो है नेचुरल हो जाता है, आपके हेयर जो है गोल्डन हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा नींबू शामिल कर दें। उसके अलावा आप लोगों ने मुल्तानी मिट्टी जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करना है। मुल्तानी मिट्टी के बहुत ज़बरदस्त